स्वागत है आपका डिफेंस यात्रा की इस नए एपिसोड में। दोस्तों, भारत का डिफेंस सेक्टर आज जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वो सिर्फ देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। भारत अब सिर्फ रक्षा ही नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन के लिए भी तैयार है। आज हम बात करेंगे दो ऐसी मिसाइलों की जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों की नींद उड़ जाती है, ब्रह्मोस और फल्ले। एक है आसमान से भी तेज रफ्तार वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दूसरी है जमीन से दुश्मन की कमर तोड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। तो आइए जानते हैं इन दोनों में कौन है असली गेम चेंजर। ब्रह्मोस भारत रूस का जॉइंट वेंचर है जिसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। स्पीड मैक 2.8 से 3, आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज, रेंज 450 से 500 किलोमीटर और नए वर्जन में 800 किलोमीटर तक। लॉन्च प्लेटफॉर्म जमीन, समुद्र, पनडुब्बी और एयरफोर्स के HU-30 MKI जेट। ब्रह्मोस की खासियत है इसकी लो लेवल सी स्कीमिंग क्षमता, यानी यह पानी की सतह से सिर्फ 10 से 15 मीटर ऊपर उड़ते हुए रडार को चकमा देकर दुश्मन के जहाज को सीधा टारगेट करती है। यह मिसाइल सिर्फ डिफेंस ही नहीं बल्कि आक्रामक रणनीति का भी हिस्सा है, खासकर समुद्री युद्ध में जहां यह दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर को भी चंद सेकंड में खत्म कर सकती है। अब बात करते हैं पल्ले की। DRDO की बनाई हुई शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी स्पीड की बात करें तो मैक 5 से ज्यादा है। रेंज 150 से 500 किलोमीटर, वॉरहेड कैपेसिटी 500 से 1000 किलोग्राम और लॉन्च जमीन आधारित मोबाइल लॉन्चर। पल्ले का मकसद है दुश्मन की एयरबेस, कमांड सेंटर, ब्रिज और लॉजिस्टिक हब को कुछ ही मिनटों में तबाह कर देना। इसकी खासियत है क्वाजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी, यानी यह इतनी ऊंचाई पर जाती है और इतनी तेजी से दिशा बदलती है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए इसे रोकना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस वर्सेस पल्ले, कौन है ज्यादा खतरनाक? ब्रह्मोस दुश्मन की नेवी और ग्राउंड इंस्टॉलेशन दोनों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह दुश्मन की सप्लाई लाइन और कमांड सिस्टम को ध्वस्त कर सकती है और वहीं पल्ले जमीन पर तेज स्टिक और डिफेंस सिस्टम प्रूफ बार में माहिर या पहला बार और आखिरी बार की रणनीति के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। असल में दोनों का रोल अलग है। ब्रह्मोस समुद्र और एयर ऑपरेशन में गेम चेंजर है और पल्ले ग्राउंड वारफेयर और वॉर्डर स्ट्राइक में मास्टर है। भारत की स्ट्रेटेजी में दोनों की जगह। अगर भारत को किसी हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में उतना पड़े तो पहला बार पल्ले करेगी, दुश्मन की एयरवेज, रडार और मिसाइल बैटरी को खत्म करने के लिए। उसके बाद ब्रह्मोस दुश्मन के बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक टारगेट जैसे नेवल बेसिस, एयरक्राफ्ट कैरियर और सप्लाई शिप को खत्म करेगी। और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल के नए वजन की बात करें तो ब्रह्मोस NG पुराने मॉडल से छोटा, हल्का और तेज है। इसे फाइटर जेट, पनडुब्बी और युद्ध पोत से दागा जा सकता है। इसका वजन लगभग 1.5 टन है, जिसे SU-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों पर एक साथ कई मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसकी रेंज 290 से 450 किलोमीटर और स्पीड मैक, यानी ये दोनों मिलकर एक डबल पंच देते हैं। पहले पल्ले की रफ्तार और ताकत, फिर ब्रह्मोस की स्टिकता और डरावनी मार। दुश्मनों के लिए मैसेज, इन दोनों मिसालों का एक ही संदेश है, अगर तुमने भारत की तरफ आंखें उठाई तो जवाब सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि घातक भी होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व हमारे चैनल डिफेंस यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।